दिवाली आने में अब टाइम ही कितना बचा है। फ्लिपकार्ट अमेजोन में सेल पे सेल आ रही है। पहले आई थी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल, अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। यदि आपको फोन बाय करना है मेरे हिसाब से ये मौका है। लेकिन इतना आपको जरूर कहूंगा, जो पहले वाली सेल थी वो ज्यादा गजब की थी। वहां पर बहुत ही कमाल का ऑफर था। कल ही मैंने अपने अंकल के लिए बाय किया है सैमसंग का गैलेक्सी F23। लेकिन आज की डेट में लाइक कम आ रहे हैं। कृपया करके भर भर के लाइक किया करिए और भर भर के शेयर करेंगे तो यार और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बैंक का ऑफर है वो दोनों वेबसाइट में अलग अलग है। यदि आपके पास कार्ड नहीं है, आसपास वालों से जुगाड़ कर लेंगे, आपके एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। सबसे पहला जो ब्रांड है वो है पोको। पोको का X4 Pro, ये भी 5G वाला फोन है। स्नैपड्रैगन के 695 के साथ आता है। लेकिन जो स्नैपड्रैगन का 695 है, जिस भी फोन में मिला है वहां पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प नहीं मिलता है, और साथ में YouTube में भी आप 4K वाले वीडियो नहीं देख सकते। यही सारी की सारी चीजें आपको Redmi के Note 11 Pro Plus में मिलती है। लेकिन जो अंतर है वो है कैमरे का। Redmi वाले दे रहे हैं 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और जो Poco वाले हैं ये दे रहे हैं आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा। 5000 mAh की बैटरी है। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो चीजें दोनों फोन में मिलती है वो अच्छी वाली है। जो फोन आपको सस्ता पड़े उस वाले फोन में जा सकते हैं। Poco का M4 Pro भी आप बाय कर सकते हैं। ये 4G वाला डिवाइस है। MediaTek का Helio G96 वाला प्रोसेसर है। AMOLED वाला डिस्प्ले है। पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है। अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर मिल रहा है, क्योंकि 5G के चक्कर में अंडर 15 के बहुत सारे फोनों से अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर गायब कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से अब मैं सोच रहा है 4G और 5G के बारे में, आप इस वाले फोन की तरफ जा सकते हैं। Poco का F4 भाई, ये काफी पावरफुल वाला फोन है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 870। इस प्रोसेसर को बहुत सारे ब्रांड ने अपने फोन में यूज किया है, जिनका प्राइस है वही 25,000 रुपए के आसपास। तो भैया परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको नहीं सोचना पड़ेगा। AMOLED वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है। पीछे की तरफ जो कैमरा है यह है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है आईफोन। आपको याद है आईफोन का 1348,000 में मुझे मिला था फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में। लेकिन अब इस फोन का प्राइस बढ़ चुका है। थोड़ा सा यार अजीब सा लगता है, इतना प्राइस बढ़ा दिया है। लेकिन जिनको आईफोन लेना है आप जाइए आईफोन के 13 में, ना कि आईफोन के 14 में। भाई कुछ नहीं है, केवल कपड़ा हटा दिया गया है, कपड़े को चेंज कर दिया गया है, मोटा कोई भी अंतर नहीं है। पैसे बचाइए, आईफोन का 13 बाय कर लीजिए। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में दूसरी वेबसाइट में ट्राई करिए, क्या पता यार आपको सस्ते रेट में पड़ जाए आईफोन का 13। नेक्स्ट फोन है नथिंग फोन 1। अब तो यार दिवाली आ रही है, घरों में झालर लगेगी। यहां पर भी पीछे की तरफ झालर जैसी लाइट लगी हुई है। तो भैया चमकदार फोन है। प्रोसेसर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G+। यही जो प्रोसेसर है ये मोटो वालों ने भी अपने फोन में यूज किया है। हाँ, जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है आउटडोर में वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो और भी अच्छा हो जाता। 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले। पीछे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिल रहा है। कोई भी गिमिक सेंसर नहीं है। तो भैया नथिंग फोन 1 अच्छा वाला है। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल क्लीन है। जो अगला ब्रांड है वो है Realme। Realme का Narzo 50 Pro, प्रोसेसर MediaTek का 920। यही सेम प्रोसेसर बहुत सारे फोनों में यूज हो चुका है। आपको याद है Realme का 9 Pro Plus, यार ये फोन का बैंक ऑफर के बाद जो पहले प्राइस था सेल में वो था 18,000 रुपए। लेकिन दिवाली वाली सेल में इस फोन का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन फोन अच्छा वाला था, जिनको कमाल का यार कैमरे वाला फोन लेना था, 20,000 रुपए के अंदर मिले तो आप Realme के वो वाले फोन में जा सकते हैं जो है 9 Pro Plus। और जो Realme का Narzo 50 Pro है, प्रोसेसर अच्छा है, पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है विद अल्ट्रा वाइड सेंसर, AMOLED वाली डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33 वॉट का जो चार्जर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। तो भाई आप Realme के Narzo 50 Pro में जा सकते हैं यदि आपको सही प्राइस में पड़े। जो अगला फोन है वो है Realme का GT Neo 3T। कुछ दिन पहले ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। एक्सचेंज ऑफर, बैंक ऑफर सब कुछ लगा के ये फोन आपको सस्ते प्राइस में मिले
तो भाई ये फोन भी काफी पावरफुल वाला है। स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, पीछे की तरफ जो कैमरा है ये भी काफी बेहतरीन है। जितने भी मैं फोन आपको बता रहा हूं ना, सबका जो डेडिकेटेड वीडियो है मतलब रिव्यू, वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। एक बार नजर डालिए, आपके दिमाग के जितने डाउट है ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जो नेक्स्ट फोन है वो है Realme का 9SE। देखिए स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर, ये काफी पावरफुल वाला प्रोसेसर है, 5G वाला भी है। अब जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है Vivo। कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था Vivo का V25 Pro, तो भाई वो भी काफी पावरफुल वाला फोन है। और Vivo की जो खास बात है ना वो है डिस्प्ले डिजाइन। यहां पर भी जो बैक की तरफ मटेरियल है ये कलर चेंजिंग वाला है, घर के अंदर रंग बदल जाएगा, घर के बाहर जाएंगे रंग कुछ और हो जाएगा, काफी हल्का फुल्का वाला है, काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन है, कैमरा भी आपको मायूस नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आप Vivo के V25 Pro में जा सकते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है Samsung। मैंने आपको पहले बताया था ना, कल ही मैंने बाय किया है Samsung का Galaxy F23। स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर मिलता है, लेकिन आज की डेट में ये प्रोसेसर गायब हो चुका है। पीछे की तरफ जो कैमरा है ये भी आपको बिंदास लगेगा, 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, लेकिन वही वाटर ड्रॉप नॉच है। और यहां पर सबसे बड़ा वाला जो खेला खेला है Samsung वालों ने वो है चार्जर में। भाई आप इतना पैसा दे रहे हैं लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर नहीं है, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। काश यार बैंक ऑफर लगा के Samsung का M52 19-20 हजार रुपए का पड़ता तो मैं आपको कह सकता था यार वो फोन कमाल का था, और पहले पड़ भी चुका है। सेल के दौरान पता नहीं यार फोन कहां भटक रहा है। अब इस फोन का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, और आपको प्रीमियम वाला फोन लेना है तो आप जाइए Samsung के Galaxy S21 FE की तरफ। जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है Xiaomi। Redmi का 10 स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, पावरफुल वाला प्रोसेसर है, कैमरा आपको यार डबल ही मिल रहा है, कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है, और जो डिस्प्ले है ये है HD प्लस वाला। इस फोन का जो मेन रीजन है लेने का वो है प्रोसेसर। नेक्स्ट फोन है Redmi का K50i। ये फोन प्रोसेसर के लिए जाना जाता है, MediaTek का Dimensity 8100 स्नैपड्रैगन के 870 को कड़ी वाली टक्कर दे रहा है। आपको कमाल का परफॉर्मेंस वाला फोन लेना है, मेरे हिसाब से Redmi का K50i आपके लिए बना है। 144 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, बहुत ही बड़ी वाली बैटरी है, बिंदास वाला जो चार्जर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। नेक्स्ट फोन है Xiaomi का 11i और हाइपर चार्ज। बस जो अंतर है ना हाइपर चार्ज में वो है 120 वॉट का चार्जर का, और कोई भी अंतर नहीं है। 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का नहीं MediaTek का Dimensity 920 वाला प्रोसेसर, पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन भी यार आपको बिंदास लगेगी, आप इस वाले फोन की तरफ भी जा सकते हैं। अगला जो ब्रांड है वो है Motorola। मोटो का G52 आप ले सकते हैं, OLED वाला डिस्प्ले है, डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये भी काफी शानदार है, हल्का फुल्का वाला डिजाइन है। और मोटो की जो खास बात है ना वो है क्लीन UI, एक भी इधर उधर वाली एप्लीकेशन नहीं है। और आपको 5G वाला फोन लेना है, आपके पास है मोटो का G82। जिनकी जिद है OnePlus के फोन लेने की, आप जाइए OnePlus के Note 2T की तरफ। या 2T में ना कैमरा और अच्छा हो जाता, ये फोन उतना टूटा टूटा नहीं लगता है। बिल्ड क्वालिटी डिजाइन प्रोसेसर सब कुछ कमाल का है, बस मुझे जो शिकायत है ना वो थोड़ा सा कैमरे से है। जो अगला ब्रांड है वो है iQOO का 9SE, काफी पावरफुल वाला फोन है, स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर है। आपके पास iQOO का नियो 6 भी है, यहां पर स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, आगे की तरफ 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला एमोलेड डिस्प्ले, पीछे की तरफ जो कैमरा है ये भी आपको बिंदास लगेगा। इसका भी जो डेडिकेटेड वीडियो है ना ताज वाला, वो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। मैं इस फोन को ताजमहल लेके गया था, एक बार नजर डालिए यार उस वीडियो में। और इनका एक और फोन आता है जो है iQOO का Z6 Pro। यहां पर वही वाली चीजें है जो Vivo के T1 Pro में मिलती है। तो भैया आपके पास दो विकल्प है, पैसे बचाइए और जो फोन आपको सस्ते रेट में पड़े उसको उठा लीजिए। मेरे हिसाब से मैंने आपको वो फोन बताए हैं जो मुझे बिंदास लग रहे हैं,
अब आप बता दीजिए आपको इन सभी फोनों में कौन सा फोन अच्छा लग रहा है। आपके दिमाग में और कोई फोन हो उसे भी आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जाते जाते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए और इस फेस्टिवल खूब सारा एंजॉय करिएगा, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।